नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जेट एयरवेज की नई अपडेट निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका स्थित सिनर्जी ग्रुप, जो कि जेट एयरवेज के लिए एकमात्र बोलीदाता है, उन्होंने सोमवार को एयरलाइन के ऋणदाताओं से मुलाकात कर अपने पुनरुद्धार योजना पर चर्चा करी। आपको बता दें, विकास से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि समूह के प्रतिनिधि इस हफ्ते विमानन मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने की योजना बना रहे थे, ताकि इस बात की जानकारी ली जा सके कि विस्तृत परिश्रम के लिए टीम भेजनी है या नहीं। सिनर्जी ग्रुप दक्षिण अमेरिका कंपनी एवियंका एयरलाइंस का एक बहुसंख्यक शेयरधारक है। समूह का नेतृत्व करने वाले जर्मन इन्फ्राविज जेट से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें, अब तक सिनर्जी ग्रुप के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। वे आज यानी सोमवार को ऋणदाताओं से मिल रहे थे और कल या अगले दिन मंत्रालय के अधिकारियों से मिलेंगे। सूत्र ने कहा कि सिनर्जी ग्रुप के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है और तुल्लो समूह और आरए ट्रेजरी क्रिएटर्स जेट को पुनर्जीवित करने के इरादे में जमा करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि अरबपति अनिल अग्रवाल के परिवार के ट्रस्ट वॉल्केनो इन्वेस्टमेंट ने एक खोजपूर्ण ईवाई में रखा था। यह दो दिन के बाद दौड़ से बाहर हो गए थे। सिनर्जी ग्रुप बाद में एयरलाइन में अपनी जो ईओआई है वो प्रस्तुत करी थी, जिसमें कि पुनरुद्धार की उम्मीद बढ़ चुकी थी। वहीं समूह की सलाहकार ने कहा कि सिनर्जी ग्रुप डिफॉल्ट एयरलाइन में 49% पर नज़र गड़ाए हुए है और ऋणदाताओं और अन्य बुनियादी ढांचा कंपनियों के साथ सहनिवेश विकल्पों पर चर्चा कर लेगा। हम 49% हिस्सेदारी के साथ एक विदेशी कंपनी के रूप में अधिग्रहण की संरचना करना चाहते हैं। जेट सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है और हमें उम्मीद है कि ऋणदाता अपने ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए तैयार होंगे। हम भारतीय बुनियादी ढांचा फर्मों के साथ साझेदारी पर भी चर्चा करेंगे, ऐसा सिनर्जी ग्रुप ने कहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एंटोनिया गुजेट्टी कंसल्टेंसी DGCA के अध्यक्ष, जो कि हिस्सेदारी खरीदने के बारे में सिनर्जी ग्रुप को सलाह दे रहे हैं, उन्होंने द बिजनेस स्टैंडर्ड्स को यह सब बताया है। उन्होंने यह भी कहा था कि सिनर्जी ग्रुप द्वारा निवेश की राशि बैंकों और अन्य लेनदारों के साथ चर्चा और बातचीत पर निर्भर करेगी। जेट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल RP आशीष छछरिया को अब तक की वित्तीय लेनदारों, परिचालन लेनदारों और कर्मचारियों से 30,558 करोड़ रुपये के दावे मिले हैं। ऐसी और अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन गुरु। मैं हूँ आपका दोस्त विनायक। बाय बाय, टेक केयर। बुक डिस्बक है। बाय।